चलिए अब खबर सिरसा से है और आपको बता दें कि सिरसा में कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य कार्यक्रम। आरएसडी कॉलोनी स्थित इस्कॉन मंदिर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने शिरकत की। मंदिर में पहुंचने पर गोविंद कांडा का सेवकों ने स्वागत किया। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने पूजा अर्चना की, निजी कोष से 31,000 रुपए की राशि भेंट की। जनसेवा के लिए राजनीति में आया हूं, गोविंद कांडा ने कहा। देखिए कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य कार्यक्रम हुआ तो आरएसडी कॉलोनी स्थित इस्कॉन मंदिर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा पहुंचे। मंदिर में पहुंचने पर गोविंद कांडा का सेवकों ने स्वागत किया। सर्वप्रथम गुरु चरणों में नमन करता हूँ, भगवान राधा कृष्ण जी के चरणों में नमन करता हूँ। आज मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, पूरे जिला वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो जन्माष्टमी की। और जब बहन जी मेरे पास आती है कि इस्कॉन का प्रोग्राम है तो अपने आप मन करता है कि जरूर जाऊंगा। मेरी बात ये बताऊंगा क्योंकि मेरा परिवार है, शायद पता है या नहीं पता, मेरी माता श्री वृंदावन की थी और उन कुंज गुलियों में उन्होंने रास रचाए हुए थे। आज यहाँ सिरसा में हमारा जन्म हुआ हमारी माता जी के आशीर्वाद से, और वो कुंज गलियों में खेली हुई थी। भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद था उनके साथ। उनका कहेंगे कि उनकी एक एक अंश हमारी रगों में है भगवान कृष्ण जी का, और इसीलिए हमारी माता जी ने हमारा नाम बड़ी सिस्टर का श्यामा, फिर गोपाल, फिर गोविंद, एक छोटे भाई की डेथ होगी भी पिछले दिनों, उसका नाम मोहन था। और जब 71 में एक छोटी सिस्टर हुई तो कहते भी अब इंग्लिश नाम चाहिए, तो नाम भगवान पे रखना था तो वृंदावन में कोकिलावन है उसका नाम, इसलिए कोकिलावन है। और माता जी का नाम दादा देवी था, और सौभाग्य से उनको जब मिला पिताश्री तो उनका नाम मुरलीधर था। ये सारा पता